नागपुर शहर में बीते एक महीने में दो अपनी बस में आग लगने के मामले सामने आए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर वार किए हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर महानगर पालिका भ्रष्टाचार का खजाना है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर। नागपुर महानगर पालिका में जो बसें चलाई जा रही है उसमें भ्रष्टाचार की बड़ी बू, मोटी बू, जो पूरे देश में अलग अलग संदेश देते हैं विकास का, उनका उसमें बड़ा इन्वॉल्व। फिर ग्रीन बस हो, उसमें कितना करप्शन हुआ, ये लोगों के लिए नहीं, उसमें के कमीशन खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बस का उपयोग किया गया है। और मुझे लगता है कि नागपुर की जनता को ये सब समझ में आ गया। गवर्नमेंट वो जो वहाँ कर्मचारी लगे हैं वो उनको भी पैसे मिलते नहीं, उनकी भी हालत ख़राब है, उनने भी कई बार मोर्चे निकाले, और मुझे लगता है कि वही भ्रष्टाचार के वजह से अपनी बस की जो नागपुर में जो दुर्गति हुई है वो महानगर पालिका में उस समय में आता, अभी तो सत्ता में आया ही नहीं, वो लोग निकल के सत्ता के बाहर, तो उन लोगों की वो देन है। और अब हम जनता के सामने जाएंगे, फिर पीने का पानी हो, बस हो, पेन ड्राइव में लोग आजकल बड़ा लोगों को पुरावा देते हैं, वो पेन में भी भ्रष्टाचार महानगर पालिका बड़े बहुत 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 है। अरे ये खजाना, ये भ्रष्टाचार का नागपुर महानगर पालिका भ्रष्टाचार का खजाना रहा है। नौकर भर्ती हो, बहुत सारे इशू है, और नागपुर की जनता को इस भ्रष्टाचार से जो लोगों को सत्ता दी थी और उन लोगों ने भ्रष्टाचार करके नागपुर की जनता को ज़्यादा टैक्स में और कुछ भी सुविधा मुहैया न करके उनको जो तकलीफ दी है उस तकलीफ से बाहर निकालने का हम लोग प्लान बनाएंगे। और अच्छा नागपुर, जनता की बस, हम अपनी बस नहीं, जनता की बस, ये तो अपनी यानी उनकी हो गई थी, तो मैं ये सब चीज़ों में हम बड़ा सुधार लाने की कोशिश करने वाले और नागपुर की जनता हमें उसका आशीर्वाद देगी।